नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जो है स्वस्थ होंगे। आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में, ये एक छोटी सी क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि जो आपके भारत में जो नेशनल पार्क हैं, कुल नेशनल पार्क हैं 106, तो ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं नेशनल पार्क को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। टोटल 106 नेशनल पार्क हैं, तो आपको भी पता है कि सिर्फ एक क्लास में 106 नेशनल पार्क कंपाइल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो है हम इन्हें कुछ कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। जैसे आज हम उत्तर पूर्वी भारत और सिक्किम के नेशनल पार्क देखने वाले हैं। सेम जो है अगली वीडियो में जो है हम देखेंगे, या अगली क्लास में हम उत्तर भारत के, फिर दक्षिण भारत के और फिर मध्य भारत के जो आपके नेशनल पार्क्स हैं इन्हें हम देखने वाले हैं। तो इस क्लास को जो है शुरू करते हैं और आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। आपको नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के सारे नेशनल पार्क एक इसी वीडियो में जो है मिल जाएंगे। ये है आपके सामने पहला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, तो याद रखिएगा जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसमें सिर्फ दो नेशनल पार्क हैं, जिनमें से एक है आपका मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हो जाएगा आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कई बार आपके एग्जाम में जो है ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है। क्यों प्रसिद्ध है ये, क्यों ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये फ्लाइंग स्क्वायरल या कहें उड़न गिलहरी, वह गिलहरी जो उड़ सकती हैं उनके लिए यह प्रसिद्ध है। आप ये जो तस्वीर है, ये जो चित्र है, इनमें देख सकते हैं ये दोनों एक ही के अलग अलग डायमेंशन में लिए हुए चित्र हैं। ये उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये इन्हीं के लिए जो नामदफा नेशनल पार्क है ये आपका प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। अगला हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं, कितने हैं और क्यों ये प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा इसमें दो हैं। एक है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये संगाई या डांसिंग डियर, ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो हिरन है, जो ये डियर है, ये जो है ये नाचने कूदने में, नाच गाने में जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं इधर उधर, तो इसलिए जो है इन्हें डांसिंग डियर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ में ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो कि प्लावी या कहें तैरता हुआ पार्क है या तैरता हुआ उद्यान है। पूरे विश्व में ऐसा एक भी उदाहरण इसके अलावा नहीं देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। और एक और जो आपके मणिपुर में स्थित है वह है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, अगर याद रखें कि मिजोरम में कौन कौन से हैं, तो मिजोरम में भी दो राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें एक है आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका फोंगपुई ब्लू राष्ट्रीय उद्यान। ये जो फोंगपुई ब्लू राष्ट्रीय उद्यान है ये लगभग एक छोटे से पर्वत पर है जो कि नीला पर्वत दिखता है, इसीलिए इसे ब्लू, इसके नाम के अंतर जो है ब्लू है, ये आपको याद रखना है। एक जो जहां भी ये है वहां जो मणिपुर में जो जगह है जहां ये है, तो वहां जो एक छोटा सा पर्वत है जो नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे फोंगपुई ब्लू राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा आसाम। इसके राष्ट्रीय उद्यान आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी आपके बनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें अलग अलग जगह पर इनके बारे में आपसे पूछा गया है। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है इसमें, तो याद रखिएगा कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं इसमें देखने को मिलते हैं। पहला है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपने जब भी प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो ये आपको वहां देखने को मिल जाएगा। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये एक सींग वाले गैंडे, जो कि आप इसे देख पा रहे हैं यहां पर, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। साथ में याद रखिएगा ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की, तो ये आपको याद रखना है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला जो है ये है डिब्रू सिकोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये फेरल हॉर्स, जो कि आप देख रहे हैं ये घोड़ों की ही एक प्रजाति है, फेरल हॉर्स अनोखी है, इसलिए जो है इसके बाद ये यहीं पाई जाती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपको आलसी लंगूर दिखाई दे रहा है, ये भी जो है आपका गोल्डन लंगूर, ये भी जो है आपके असम में ही पाया जाता है, तो इसके लिए भी जो है ये एक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके जो है आसाम में स्थित है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो याद रखिएगा आसाम में है।
क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गोल्डन लंगूर उसी के लिए, और साथ में रेड पांडा। ये आप देख पा रहे हैं, ये रेड पांडा है, इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, ये भी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत ये आता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यहां पर हैं, नेशनल पार्क यहां पर हैं, तो याद रखिएगा, एक है आपका नामेरी, एक है आपका ओरांग, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ओरांग नेशनल पार्क कहां पर है। इसके अलावा एक है आपका रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, और एक है आपका दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। 2020 तक ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, पर असम सरकार ने 2020 जुलाई 2020 से के बाद जो है इसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका मेघालय। मेघालय में कौन कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें एक है आपका बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं रेड पांडा की, ये रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है, दुर्लभ प्रजातियां हैं ये, इसीलिए ये प्रसिद्ध भी है, तो याद रखिएगा रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है आपका नो क्रेक। नो केक यहां लिखा हुआ है, साथ में अगर आप इसे ऐसे लिखकर देखते हैं नो क्रेक, तो यह भी सही है। नो क्रेक राष्ट्रीय उद्यान, नो क्रेक नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? रेड पांडा के लिए यह भी प्रसिद्ध है, साथ में आपको आसाम में याद रखना है जो मानस था यह भी रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और यह भी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? जो यूनेस्को है उसका वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, जो जो एक इसके अलावा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये अलग है, और ये क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। अगले अगर हम चर्चा करें, अगली अगर हम बात करें, तो ये है आपका नागालैंड। नागालैंड में कितने हैं? तो नागालैंड में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नटंकी, NTANKI, ये इसकी स्पेलिंग है, याद रखिएगा। नटंकी नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? तो हुलाक गिब्बन के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आप देख पा रहे हैं हुलाक गिब्बन, चिंपांजी जैसा जो है ये जो है ये उनकी एक प्रजाति होती है हुलाक गिब्बन, तो इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, या फिर जैसे आपने देखा था उसमें अरुणाचल जो आपका काजीरंगा था, काजीरंगा नेशनल पार्क, उसमें सिर्फ एक सींग वाला गैंडा मिलता था, तो ऐसा पूछते हैं ना कि एक सींग वाला गैंडा सिर्फ कहां मिलता है, तो इसीलिए ये जो है प्रसिद्ध है, तो इन्हें आपको याद रखना है। अगला है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितने जो राष्ट्रीय उद्यान है? तो याद रखिएगा सिर्फ दो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, एक है आपका बिशन या राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये है क्लाउडेड लेपर्ड जानवर है, लेपर्ड जो जिस मतलब जान जो लेपर्ड्स हैं उनमें जो एक प्रजाति होती है क्लाउडेड लेपर्ड उसकी है, उसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। इसमें जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो यहीं देखने को मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका सिक्किम। सात स्टेट आपने देख लिए, उसके बाद जो सेवन सिस्टर्स और उनका एक ब्रदर सिक्किम, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सेवन सिस्टर्स का एक ब्रदर है उस राज्य का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सिक्किम। सिक्किम में कितने नेशनल पार्क हैं? तो सिक्किम में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों प्रसिद्ध है? तो ये मस्क हिरन या मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं जो ये हिरन है इसके एक बड़े बड़े दांत जो है बाहर निकले हुए हैं, ये तो जो हिरन है इनकी एक अलग प्रजाति है। कहां पाई जाती है? ये सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहां देखने को मिलती है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत जो है ये आता है। तो ये जो क्लास है आपकी, इस क्लास में आपको सात नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, साथ में सिक्किम, इनमें जितने भी नेशनल पार्क हैं ये सब आपको एक ही क्लास में मिल गए। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क देखने हैं तो आपको कहीं अलग जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिल गई हैं, साथ में कौन सा जो है आपका यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपको सब इसी एक वीडियो में देखने को मिल गए हैं। क्यों ये प्रसिद्ध है, यही सब जो है आपको यहाँ देखने को मिल गए हैं। तो इस क्लास को जो है अगर आपने अंत तक देखा है तो याद रखिएगा इस क्लास को आपको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर करना है। याद रखिएगा आपका जो अपना परिवार है एसएससी मेकर, उस पर कुछ जो बैचेस चल रहे हैं जिनमें से कुछ ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रुप डी के लिए एक बैच है श्योर सिलेक्शन बैच,
399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैच है ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, साथ में आपको लाइव क्रैश कोर्स इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल बैच है, आप यहां 399 में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस आपको यहां पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक स्पेशल बैच है, 399 में आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मैथ, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ग्राम समाज एवं विकास देखने को मिल सकता है। 399 में आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल इन दोनों के लिए कॉम्बो है, जहां मैथ रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ग्राम समाज एवं विकास जो है आपको देखने को मिलता है। 499 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों में जो कॉमन है वो एक चीज है कि यहाँ इन तीनों बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली डेली आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, साथ में डाउट सेशन है, आपको पीडीएफ दी जाएगी क्लास की और जो भी आपका कंटेंट वगैरह है वो दिया जाएगा। सारी क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से होंगी, तो याद रखिएगा एक क्लास होती है आपकी रात 8 बजे मैथ और रीजनिंग की, जिसमें एकदम बेसिक से जो है आप मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं, आपके अपने अजय सर की ये क्लास है। तो इस क्लास के साथ भी आपको जरूर जुड़ना है, जिससे कि आपकी मैथ और रीजनिंग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस क्लास में सॉल्व हो सके। याद रखिएगा एसएससी मेकर परिवार की ओर से कुछ लिंक्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। देखिए जो पहला लिंक है ये ऐप का लिंक है, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, वहां एसएससी मेकर सर्च करते हैं, वहां भी जो है आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। आपके ऐप से रिलेटेड जो भी आपकी जो भी नई सूचनाएं होती हैं, जो भी नया नोटिफिकेशन होता है, या आपके डेली लाइव क्लासेस से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। ये आपके अपने इस परिवार के चैनल का लिंक है, तो इसे भी जो है आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आपने क्लास को अंत तक देखा है, अगर आप क्लास के अंत तक थे, तो आपको जो है इस क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और इस क्लास को जो है आपको लाइक भी करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।